हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल LWD जॉब में। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से शिक्षक भर्ती का एक नया एडवर्टीजमेंट, सरकारी शिक्षक बनने का एक और नया मौका, परमानेंट जो है वो वैकेंसी जारी की गई है। सैलरी जो है यहाँ पर 29,200 से लेकर 92,300 तक जो है आप लोगों को लेवल 5 के अकॉर्डिंग दी जाएगी। आवेदन बिल्कुल स्टार्ट हो चुके हैं 20 दिसंबर से और 10 जनवरी लास्ट डेट रहेगी, तो आपके पास 5 ही दिन शेष हैं। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट रहेंगे तो बिल्कुल समय पर आवेदन करें। तो बाकी जो है डिटेल इंफॉर्मेशन के लिए जो है नोटिफिकेशन चेक करेंगे, वैकेंसी कहाँ से आई है, क्वालिफिकेशन क्या है, एज क्या कही गई है। चलिए देख लेते हैं किस पोस्ट में किस सब्जेक्ट की वैकेंसी है। तो सबसे पहले जो है मेन वेबसाइट पर आना है, जहाँ से हमें जो है एडवर्टीजमेंट का लिंक मिलेगा। तो एडवर्टीजमेंट जो है यहाँ पर दी हुई है, एडवर्टीजमेंट नोटिस 2 ऑफ 2023। तो 20 दिसंबर को ही जो है ये रिलीज हो गई थी, टीचर वैकेंसीज इन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो यहाँ पर जो है सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पर किस पोस्ट की वैकेंसी है और इसके अलावा जो है क्वालिफिकेशन क्या कही गई है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर टीचर में ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, टीचर की वैकेंसी है जिसमें जो है कुल 7 पदों पर वैकेंसी आई है। यदि ग्रेजुएशन आपने किसी भी स्ट्रीम से किया है, साथ में बीएड आपने किया है, सीटेट भी आपका क्लियर है, पेपर 1 पेपर 2, तो आप यहाँ पर जो है फॉर्म फिल कर पाएंगे। उसके बाद जो है साइंस मैथ के टीचर्स के लिए 106 जो है यहाँ पर कुल वैकेंसी आई है, जिसमें ग्रेजुएशन में फिजिक्स केमिस्ट्री बॉटनी जूलॉजी मैथ आपने एक सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में पढ़ा हो, बीएड चाहिए और सीटेट पेपर 1 और पेपर 2। लैंग्वेज टीचर की वैकेंसी है, जिसमें भोती लैंग्वेज की जो है 9 वैकेंसी है, उर्दू की 5 वैकेंसी है, हिंदी के टीचर की 5 वैकेंसी है। ग्रेजुएशन में जो है आपने हिंदी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा होना चाहिए और आपका बीएड और सीटेट पेपर 1 या पेपर 2 आपका क्लियर होना चाहिए। स्पेशल एजुकेटर टीचर के जो वैकेंसी है 10 यहाँ पर कुल पद हैं, ग्रेजुएशन होनी चाहिए बीएड स्पेशल एजुकेशन में या बीएड विद डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन। अगर आपने सामान्य बीएड किया है तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में, साथ में सीटेट भी जो आपका क्लियर होना चाहिए। कुल जो है यहाँ पर 142 पदों पर जो है ये वैकेंसी आई है। ठीक है, अब चलिए देख लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो कहाँ से जारी की गई है। तो सबसे पहले जो है ऊपर हम देखेंगे तो ये वैकेंसी आई है संघ राज्य प्रशासन लद्दाख से, ये वैकेंसी आई है और एडवर्टीजमेंट नंबर है 2/2023, 20 दिसंबर का ये एडवर्टीजमेंट है। ग्रेजुएट लेवल के टीचर्स की ये वैकेंसी है। 20 दिसंबर 2023 ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए थे, 10 जनवरी 2024 लास्ट डेट रहेगी। लास्ट डेट फॉर मेकिंग ऑनलाइन फीस पेमेंट का 10 जनवरी, एग्जाम की डेट भी यहाँ पर है 4 फरवरी 2024। एज यहाँ पर जो है 18 से लेकर 40 वर्ष तक के कैंडिडेट जो है वो आवेदन कर सकते हैं, जिसमें SC ST EWS की 43 ईयर, PWD 42 ईयर, एक्स सर्विसमैन 3 साल। एप्लीकेशन फीस जो है वो मात्र 200 रुपये लगेगी, जो कि वापस नहीं होगी, ये साफ साफ लिखा है, नॉट रिफंडेबल। ठीक है, 200 रुपये जो है यहाँ पर फीस लग रही है, ऑनलाइन ही जो है पेमेंट करना होगा। एग्जाम रहेगा जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरेंस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज। तो कुल 1.5 घंटे का समय और आपके जो हैं यहाँ 25-25 जो है क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहेंगे, नेगेटिव मार्किंग भी जो है यहाँ पर रहेगी। एग्जाम का जो मीडियम है ये इंग्लिश में रहेगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, सिलेबस जो है वह भी नीचे आपको दिखाई देगा। अब यहाँ पर जो है इन्होंने एक चीज़ लिख दी है, जिसकी वजह से बाहरी राज्यों के कैंडिडेट बिल्कुल आवेदन नहीं कर पाएंगे क्वालिफिकेशन होते हुए भी। और उन्होंने लिखा है कि अगर कैंडिडेट मस्ट बी ए रेजिडेंट ऑफ लेह डिस्ट्रिक्ट, लेह डिस्ट्रिक्ट का जो है रेजिडेंट हो वो कैंडिडेट, और यानी रहता हो वहाँ, और उसके पास जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट भी जो है होना चाहिए। कई बार क्या होता है, बहुत सारी कंडीशन ऐसी होती हैं कि जिस वजह से कैंडिडेट को जो है ऐसे दूर दराज एरिया में जाना पड़ता है, तो वहाँ का जो है रेजिडेंट सर्टिफिकेट वो बनवा लेते हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट ऐसा है, क्वालिफिकेशन है, तो बिल्कुल आप लोग फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे द्वारा आप लोगों को सभी राज्य की टीचिंग से जुड़ी जो भी वैकेंसी जारी होती है, परमानेंट हो, प्राइवेट हो, कॉन्ट्रैक्ट बेस की जो वैकेंसी है, सभी वैकेंसी की सूचना आप लोगों को चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो
तो आप लोग बने रहें चैनल पर, ताकि आप लोगों के राज्य की जैसे ही वैकेंसी आती है आप लोगों को समय पर सूचना मिल सके। उसके बाद जो है अप्लाई करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, तो अप्लाई करने के लिए जो है कंप्लीट इंस्ट्रक्शन जो है इसमें दिए हुए हैं, सिलेबस मैंने आपको बता दिया, सिलेबस भी जो है यहाँ पर दिया हुआ है। ग्रेजुएट लेवल के जो टीचर्स हैं उनकी वैकेंसी ये है, बाकी चीज़ें आप देख लें, और इसका लिंक मैं आप लोगों को शेयर कर दूंगी डिटेल इन्फॉर्मेशन के लिए, जो भी कैंडिडेट फॉर्म फिल करना चाहें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।